रेडी हैं आप? जी जी पहले आप अपना बता देंगे कि आप टूर के वाले टूर के वाले से और इस ऑर्गेनाइजेशन के वाले से वेल हमारा जो एजुकेशन हम यहाँ पे एजुकेशन के इनिशिएटिव के लिए यहाँ पे आए हैं और आई थिंक मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जहाँ जहाँ हम लोग गए अमेरिका में हमारी अपनी कम्युनिटी इवन के बहुत अच्छा लगा कि श्रीलंकन्स भी आए बांग्लादेशी लोग भी आए और इवन के इंडियंस लोग भी आए जो कि हमारे जो इशू है एजुकेशन का उसमें हमें सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट करते रहें कि असल पाकिस्तान वो है जो हमारे रिमोट एरियाज़ के अंदर लोग बसते हैं अगर उनको हम उनके पाँव पे खड़ा कर देंगे तो इंशाल्लाह वो तब जाके तब्दीली आएगी जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हम चेंज जो है वो चेंज इस तरह नहीं आएगा चेंज आएगा उन लोगों की हेल्प करने से इंशाल्लाह जिसके लिए मैं जहांगीर भाई हमेशा से हमारे हमें हर किस्म की सपोर्ट इनकी तरफ से मिलती रही एज अ प्रेजिडेंट मिलती रही है अलहमदिल्ला और बाकी भी सेलिब्रिटीज़ हैं रीमा है अदनान सिद्दीकी वगैरह ये वो लोग हैं जो हमारे लिए हमारी फाउंडेशन के लिए काम करना चाहते हैं कि क्योंकि बात शाहिद अफरीदी की नहीं है बात इन हमारे मुल्क के लोगों के लिए जिनके लिए हम निकले हुए घरों से और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द करीब आएगा जब हमारे लोग अपने पांव पे खुद खड़े होंगे। तो जहांगीर साहब आप बताना चाहेंगे कि आपकी क्या मोटिवेशन थी कि आपने ये लेजेंड्स फॉर ह्यूमैनिटी को ज्वाइन किया और क्या क्योंकि मैं पिछले एक साल से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का ग्लोबली प्रेजिडेंट की हैसियत से शामिल हुआ था और माशाल्लाह जिस तरीके से ओवर द ईयर्स मतलब 5 साल हो गए इस फाउंडेशन को बने हुए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम करते रहे पानी के हवाले थे मेडिकल के हवाले थे और अभी हमने रिसेंटली तालीम की शुरू की है और जिस तरीके से शायद ने भी बताया कि रिमोट एरिया में अभी भी इतने ही प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत से फैमिलीज़ हैं जिनको खाने को पूरा नहीं होता तो हमारी कोशिश है कि ये चीज़ें उनको हम प्रोवाइड कर सकें और ऑब्वियसली बहुत से मुख्तलिफ इदारे इस पर काम कर भी रही है और जहाँ पे स्टेट्स फेल हो जाती हैं तो यही मुख्तलिफ इदारे इस पर आगे बढ़ चढ़ कर उनको एक सहारा देती है और ये हम समझते हैं कि अपने खेल के दौर में जो हमने कमाया जो कुछ भी किया मगर हमारा ये एक ऐसा वक्त है कि अब हम चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी को वापस पेमेंसिटी के जरिए से हम दे सकें वापस तो ये कोशिश है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जिस तरीके छोटे पैमाने से शुरू हुए हैं और जिस तरीके से हमें माशाल्लाह दुनिया भर से सपोर्ट मिल रही है मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी तरतास लेके चल रहे हैं हम इंशाल्लाह उसको पूरा करके छोड़ेंगे। सर ये जो आपका रिमोट इलाके की आप बात कर रहे हैं तो कुछ किसी हद तक नज़र नहीं आता कि किस किन लोग कितनी परसेंटेज को ये फ़ायदा हो रहा है और क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ख्याल में इसके लिए बेहतर जवाब ये दूंगा कि आप वेबसाइट पे जाएं ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं और किन किन एरियाज में हमने काम किए तो आपको बेहतर पता चल जाएगा। तो क्या रिमोट एरिया में क्या जरूरियात है लोगों की बहुत बड़ी जरूरियात है रिमोट एरिया में क्या फैसिलिटीज़ है ना हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना पानी की फैसिलिटीज़ है ना एजुकेशन है लोग 6-6, 7-7 किलोमीटर जाके पैदल वहाँ से एक मटके पानी के लिए वो लोग वॉक करते छोटी छोटी बच्चियाँ जाती हैं उन फैमिलीज जाती हैं अब अलहमदिल्ला उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमने 17-18 किलोमीटर की पाइप लाइन्स भी चाहिए जो कि उनको तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को अब घरों पर पानी मिलता है अलहमदिल्ला मतलब विलेज को पूरा कवर करते हैं तरीके से और ये आपको बताऊँ रिमोट एरिया इतना है बड़ा कि जो आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ और दूसरा हेल्थ के वाले से जो अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने किया है अपने गांव में जहाँ पे तकरीबन जिसकी सराउंडिंग में 5 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन कोई 45 से 50 हज़ार लोगों को उस हॉस्पिटल से फ़ायदा हो रहा है और मेरा जो मेन फोकस है वो मदर एंड चाइल्ड है हमारी माएँ ये तो एक माँ ही बता सकती है कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ज़्यादातर डिलीवरीज गांव में घरों पे होती हैं जहाँ या तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है माँ को प्रॉब्लम होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऐसा माहौल मिला है कि एक अच्छे माहौल के अंदर माँ ट्रीटमेंट करवाती है अपनी तो आई थिंक अभी भी 21वीं सदी में हम घूम रहे हैं आप अगर थर के इलाके में जाएंगे वहाँ पर रोड्स के ऊपर डिलीवरीज होते हुए देखी है हमने ये आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है 250 बेड का हॉस्पिटल शुरू हुआ है इंशाल्लाह 2022 तक इंशाल्लाह वो भी कम्प्लीट हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड का वो हम एंग्रो ग्रुप के साथ मिल के कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका कोई रब्ता है कोई आपने सपोर्ट अभी तक मिली जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और एनजीओज होती हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट फिलहाल हम अपने आप को खुद अपने पांव पे खड़ा करना चाहते हैं इंशाल्लाह हम अपने पांव अपने आप को खुद
अपना टाइम दें, अपना पैसा लगाएं उसके ऊपर. हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी साथ है और रहेगी इंशाल्लाह. जब ये सब कुछ हो जाएगा तब हम अपनी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली परफॉर्म ये जब आप करते हो तो सामने से रिस्पांस मिलता है, फिर उसके बाद जो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड आएगा, डेफिनेटली पाकिस्तान की बात है, किसी के साथ भी हम काम कर सकते हैं. अखुवत जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, वो हमारे साथ है. अलखिदमत के साथ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है मुझे खुशी होती है कि उनके साथ मिलकर काम करें, इसलिए कि मसला हम सबका एक ही है. जी मीडिया टीवी चैनल से डॉक्टर काशिफ सोहेल, शाहिद भाई, शाहिद खान अफरीदी साहब से, शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनाया तो आर्मी शोहरत तो उसको मिली और लोगों ने भरपूर उसका साथ दिया और जितने भी इवेंट्स वो करते हैं आज भी लोग उतना ही उनको सपोर्ट करते हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत कर रहे हैं. आप हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नाउ. आप कैसे करते हैं, आप इवेंट्स ज़्यादा इंक्रीज करेंगे क्योंकि हम वी आर रेडी टू सपोर्ट यू मोर एंड मोर, क्योंकि आप भी बहुत नाइस और सादा सिफ्त इंसान हैं और जिस तरह लोग इमरान खान से प्यार करते हैं आपसे भी हम उसी तरह बहुत करते हैं. आप ज़्यादा इवेंट्स करें, हम ज़्यादा आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपकी ये जो अल्फाज है यही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं. मुझे इस तरह के लोग चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके, जो आए हमारे इवेंट्स के अंदर. इमरान भाई देखिए, हमारे मुल्क के अंदर आप अलखिदमत फाउंडेशन देख लें, अखुवत देख लें, आप ईदी साहब की फाउंडेशन देखें, आप शौकत खानम की देखें, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात काम कर रही है, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही है और इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रहेगी, हम इसी तरह ही इस काम को लेके चलेंगे. और सॉरी आपका सवाल दोबारा. जी वो ये है कि उन्होंने जितने भी इवेंट्स किए उनको भरपूर लोगों ने सपोर्ट किया, आप भी ज्यादा इवेंट्स करें, हम वी आर रेडी. बिल्कुल हम इवेंट्स करेंगे लेकिन हम प्रोजेक्ट बेस्ड इवेंट्स करते हैं. हम ये नहीं करते कि अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो पता नहीं चल रहा हो कि हम उस पैसों का करें क्या, ऐसा भी हम नहीं करते. जब तक कोई प्रोजेक्ट अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता हम दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करते. शायद ये कहेगा कि माशाल्लाह आपकी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, आप जबरदस्त काम करिए, बाकी हमें दोस्तों से बात करती है, आप हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप दोनों माशाल्लाह बहुत बड़े लेजेंड्स हैं और मज़ीद कुछ ऐसे आप जैसे ही शख्सियात आप इसमें कुछ इस टीम में अपने शामिल करने का कोई इरादा है ताकि मज़ीद लोगों को आप रीच आउट कर सकें. यार मेरी जान मैं एक बात बताऊं आपको, ये बड़ी सिंपल सी एक बात है, इसके लिए नियत करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जितना भी फाउंडेशन चैरिटी के काम है सिर्फ नीयत पे होते हैं. अगर आपकी नीयत है तो अल्लाह ताला इसमें आपकी मदद करता ही करता है. मैं किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराना चाहता. हमारी फाउंडेशन काम करती है, आप मैसेज देते हो दुनिया को, जो आपके साथ ऑन बोर्ड आते हैं आप उनको वेलकम करते हैं. और मैं हमेशा इस बात पे, बल्कि जहांगीर भाई भी इस बात पे कहते हैं कि हम बात जब करते हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, ये हमारे लिए बड़ी बात है. सर थोड़ा देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम कितनी जेनरस है, आप जब देखते हैं आप शाहिद अफरीदी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, ये भी कितनी जेनरस है हमारी कौम. हमारी कौम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, हर किस्म की. जब भी पाकिस्तान के ऊपर इवन के यार पाकिस्तान वाले तो है ही हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ. आई थिंक काश जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं जितनी मोहब्बत वो पाकिस्तान से करते हैं, हम रहने वाले इतने नहीं करते होंगे, लेकिन वो जो बाहर रहते हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से जितने भी मसले मसाइल पाकिस्तान के अंदर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान की हर तरीके से वो मदद करते हैं. पाकिस्तानी अमेरिकन्स की तरफ से अब तक कैसी सपोर्ट रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त. मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि मैं उनको ये फाइनेंशियली तो हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो बड़ी सपोर्ट ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ शाहिद अफरीदी के नाम की फाउंडेशन ना रहे. शाहिद अफरीदी ने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, ये हमारी पाकिस्तान का एक ब्रांड है, पाकिस्तान की फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन चलती रहनी चाहिए. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम आए हैं लोग इस फाउंडेशन को ओन करें कि ये उनकी अपनी फाउंडेशन है, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है. छोटा सा मैसेज आप रिकॉर्ड करवा दीजिए पाकिस्तान बैठे कम्युनिटी के लिए कि अगर आपका तो खैर आज इवेंट हो रहा है, अगर वो वैसे भी डोनेट करना चाहें कुछ भी, किस तरह थोड़ा सा कुछ बता दीजिएगा, पैगाम दे दीजिएगा. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसी तरह सपोर्ट करते रहें प्लीज़. और मैं चाहता हूँ कि हम तो बड़े बादशाहों वाली और शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम उन एरियाज से हैं, उस एरिया से हमारा ताल्लुक है, हम उस मिट्टी में खेले हुए लोग.